19 नवंबर को होंगे बद्रीनाथ धाम के घाट पर। द्रौपदी टंडन एवलांच में गई एवरेस्ट विजय सरिता कंसवाल की जान। 6 वर्षीय बालिका का वीडियो वायरल, कहा उत्तराखंड में लगता है डर। बॉडी बस हादसे का जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 19 नवंबर 2022 शनिवार शाम 3:35 पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। अंकिता भंडारी केस से विमित पुलिस होश में नहीं आ रही है। 6 वर्षीय एक बालिका ने मीडिया के सामने आकर अपना डर बयां करते हुए कहा कि उसे उत्तराखंड में रहने से डर लगता है। ये बताओ, क्यों आपको डर लगता है और किससे डर लगता है? जो जोगेंद्र सिंह बेदी है वो पिस्टल लगा के घूमते हैं, और वो उन्हें मैंने अपने स्कूल के आसपास देखा है, और मुझे ये डर है कहीं वो मेरे पापा को ना मार देना, मुझे मार देना, मेरी मम्मी को कोई हानि पहुंचा। क्यों ऐसा क्यों डर लगता है? क्या कभी उसने कोई बदतमीजी की है? हाँ, वो बहुत, मतलब वो फेसबुक में मेरे खिलाफ बहुत गंदा गंदा लिखता है कि ये ड्रिंक करती है, और इसकी मम्मी है जो ड्रिंक करती है, और ये जो है भंगी है, और इन्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है। क्या कभी आपकी मम्मी ने या आपने कभी ड्रिंक की है? क्या उसने देखा है आपको ऐसा करते हुए? हमने तो आज तक ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया है। तो फिर ऐसे ही बदनाम करता है? हाँ जी। एक छोटी बच्ची, आप तो बहुत छोटे हो, आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? मेरी 6 साल अभी उम्र है। अभी 6 साल है, और 6 साल की मतलब इस 6 साल की बच्ची को इतना बदनाम कर रहा है ये व्यक्ति, आखिर मकसद क्या है उसका, क्यों ऐसा करना चाहता है? जनपद पौड़ी के धुमाकोट क्षेत्रांगत बीरोखाल के पास सिमरी गांव में बारात की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। SDRF रेस्क्यू टीमों द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य किया गया। मुख्यमंत्री धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घटना स्थल पर पहुंच बचाव कार्यों का जायजा लिया। वहीं मामले में DM डॉक्टर विजय कुमार जगदंडे ने बस हादसे के मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में खुलेआम सड़क पर शराब पीने के मामले में आरोपी और 25,000 की इनामी यूट्यूबर बॉबी कटारे ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया था। अब दिल्ली पुलिस बॉबी कटारे को देहरादून लेकर आएगी। SSP दिलीप सिंह कुमार ने बताया कि 6 अक्टूबर को बॉबी कटारे को देहरादून लाया जाएगा, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लालकुआ में पिछले 2.5 महीने से स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे आंदोलित सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों का सब्र अब जवाब देने लगा है। वहीं सेंचुरी पेपर मिल के आंदोलित श्रमिकों तथा उनके सैकड़ों समर्थकों ने आज धरना स्थल शहीद स्मारक से गोला रोड रेलवे क्रॉसिंग तक जोरदार नारेबाजी के साथ जुलूस निकाल कर धरना स्थल पर सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधक का पुतला फूंका। ये प्रगति सिंह एकता केंद्र लगातार इन लोगों के साथ रहा है। जो भी आमरण अनशन 10 दिन से चल रहा है, हम लोग भागीदारी कर रहे हैं इसमें। और दूसरा, हमारा ये मानना है कि जो भी आंदोलन है वो महिलाओं के बिना कोई भी आंदोलन जीता नहीं जा सकता है। तो आज से ये आगाज हो चुका है कि महिलाएं इस आंदोलन में शिरकत करना शुरू कर रही हैं। आज दशहरे के दिन क्या होता है पूरे देश में आपको पता है। आज रावण रूपी जो अहंकारी रावण रूपी लोग होते हैं उनका यहाँ पर पुतला दहन होता है, और यहाँ पर जो संजय वाजपेयी हैं, अरुण प्रकाश पांडे हैं, और विजय कौल नाम के जो कौल आए हैं यहाँ पर, वो कौल नाम के जो व्यक्ति आए हैं, जो विभूति जिनके अंदर भरी हुई है, रावण रूपी अहंकार जिनके ऊपर भरा हुआ है, उनका हमने आज यहाँ पर पुतला दहन किया है। जिला हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव के हुए राजनीतिक दलों में घमासान मच गया है। सभी जीतने वाले प्रत्याशी अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर पद पाने की होड़ में भाजपा में शामिल होने लगे हैं। अभिषेक और आयुषी का अपना फैसला है, हमने भी उन्हें स्वतंत्र छोड़ा है। उनका जो फैसला होगा वो सहर्ष अपने फैसले पर काम करे, जिस विचारधारा से वे जुड़े हैं, ईमानदारी से और मेहनत से उस पार्टी के लिए काम करें, उनके लिए प्रयास करके ईमानदारी से उनके लिए काम करके पार्टी का बात करें। आपका क्या रहेगा, क्योंकि लोग बहुत सारे चलते हैं मार्केट में, चल रहे कि आपके बच्चे चले गए, परिवार एक है तो आप भी जा सकते हैं? जैसे परिवार तो एक ही रहता है, तमाम तरह के हैं, बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, नेता, वरिष्ठ नेतागण हैं जो अलग अलग विचारधारा से संबंधित रहते हैं। हम भी, बच्चों का अपना फैसला है, वो अपने फैसले के साथ जा रहे हैं, खुश रहें। मैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस की हूँ, कांग्रेस की रहूँगी, मुझे जो कुछ दिया है कांग्रेस ने। क्या BDC चुनाव हो रहे हैं, क्या ब्लॉक प्रमुख के लिए आपके लोग आयुष्य लोग? निश्चित रूप से अच्छा कदम है उनका, अपने भविष्य को हर कोई देखता है, अगर वो अपने भविष्य को तलाश रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो उसके लिए मेहनत करें, प्रयास करें। कांग्रेस के एक नेता आप सवाल उठाए कि कल देहरादून से भी कई लोग कह रहे थे ममता
को कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया, 3 बार विधायक भी, फिर उन्होंने अपने बेटों को वहाँ भेज दिया, क्या वो भी जाएंगे इस तरह के? क्या नहीं नहीं, ना तो मैंने भेजा है और ना मैं जाऊंगी। अब आप देखिए, कांग्रेस के सीनियर नेतागण, जो स्थानीय नेतागण हैं यहाँ के, मैं नाम नहीं बताऊंगी बिना नाम लिए बगैर, जो सरकार के समय में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे, पूर्व राज्य मंत्री रहे, कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री रहे और कांग्रेस के सिंबल पर विधानसभा चुनाव तक लड़ा। उन्होंने इस चुनाव में बेटे की मुखालफत की, उनके ऑडियो वायरल थी जिसमें वो अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं और खुल के कह रहे हैं अभिषेक राकेश को हराओ, इसे हरा करके भेजना है। तो इस तरह से ना तो उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी के द्वारा की गई, उनसे नाराज होकर अभिषेक ने ये कदम उठाया। मैम, आप लोगों के राजकुमारी भी होगी, बच्चे आते हैं, आप लोगों की राजकुमारी, क्या आपने निर्णय दिया कि जा सकते हैं, वो अच्छी पार्टी है उसमें आप जा सकते हैं? देखो, जबरदस्ती किसी पर नहीं होती, जब उनका अपना निर्णय है, अपना फैसला है, मैंने भी अनुमति दे दी, जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ जाओ और ईमानदार। आज रितु खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनके भाई मनीष खंडूरी जी कांग्रेस में, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे हमारे नेतागण रहे, अमृता रावत जी रही जो कांग्रेस से मंत्री रही, वरिष्ठ नेत्री थी, और सतपाल महाराज जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, अलग अलग दल में रहे हैं। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि एक परिवार में से विचारधाराएं अलग होगी तो अपना फैसला हम समझना। जनता पार्टी कर रही है, हमें लगता है कि आगे का युवा तब्बल हो गया, सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और आगे भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपने साथ रखकर देश को पार्टी को मजबूत बनाएगा। अभी कोई बात नहीं है, सिर्फ हम पार्टी में आए हैं, पार्टी की सेवा करेंगे, निस्वार्थ मन से सेवा करेंगे और जिस भी कार्य को पार्टी देगी उस कार्य को पूर्ण करने का काम प्रयास हम करेंगे। उन लोगों को खुद पता लग जाएगा, स्वतः ही पता लग जाएगा कि ऐसे कोई मन में वो नहीं है। अगर हमने पार्टी ज्वाइन की है तो पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के साथ मिलकर काम करने का काम करेंगे। पार्टी जो काम देगी उस काम को आगे लेकर चलने का काम करेंगे। नाराजगी किसी से नहीं है, सर्व समाज अभी भी साथ है। अभिषेक राकेश पहले भी जब कहीं और थे तब भी सबको साथ लेकर चलते थे और अब भी मेरा वादा है कि हम सर्व समाज की राजनीति करेंगे, सर्व समाज के साथ लेकर चलने का हम काम करेंगे। सर्व समाज एक तरफा अभिषेक राकेश के साथ है, उनके और मेरे जो ये हमने निर्णय लिया है उसके साथ है, देश हित के निर्णय के समय ऐसा कोई आरोप नहीं। ऐसा है, अब हम मुझे लगभग 6-7 साल की सियासत और हर व्यक्ति को अपना राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार होता है, एक जगह होती है। हमने अपना निर्णय लिया, बड़ा सोच समझ कर हमने निर्णय लिया, हमारी बात हुई है और उस बात को हम पूर्ण करेंगे। हमारी सभी सीट नेताओं से, माननीय निशंक जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से सबसे बात हुई है कि आप जो भी जिम्मेदारी हमें देंगे उस जिम्मेदारी को निभाने का हम काम करेंगे। हम पार्टी को आगे देकर मजबूत करेंगे, इसे अच्छी तरीके से आगे लेकर चलने का काम करेंगे। आगे भविष्य में हमें साथ ही रहना है, साथ मिलकर चलकर चलना है, उनके सानिध्य में हमें काम करना है।